हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में आयोजित बीसी मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीसी मोर्चा बहुत ही मजबूत मोर्चा है और अपने साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ने का जोर शोर से कार्य कर रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी बीसी मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री को माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद 21 से 28 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी के महिला, किसान, दलित व अन्य मोर्चा द्वारा बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज करनाल में पहला कार्यक्रम है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में टिकट देने वाले दलाल सक्रिय है, जिसमें से दो ग्रुप को पकड़ा गया है और FIR दर्ज की गई है। यह गिरोह पिछली सरकारों के समय में बने हुए हैं, इस सरकार में ऐसा कोई गिरोह नहीं बना। उन्होंने कहा कि पिछली बार नौकरियों में भी कुछ दलाल लोगों को बहका रहे थे और पैसे ले रहे थे, जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। इस मौके पर राज्य मंत्री करण देव कांबोज, विधायक हरविंदर कल्याण, भगवान दास कबीरपंथी, सरदार बख्शी सिंह, राम कुपार कश्यप, वेदपाल जगमोहन आनंद, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता और SDM नरेंद्र सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी दलित मोर्चा के जुड़े कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मित्रों, हमारे सभी मोर्चे और कुछ हमारे जो वर्गों के प्रकोष्ठ है पार्टी के, उनको 21 तारीख से लेकर के और 28 तारीख तक देश भर में कहीं बैठ गए, कहीं सम्मेलन, कहीं सभाएं ये करने के लिए कहा गया है। आज मुझे एक जानकारी मिली कि यहाँ हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चे का एक सम्मेलन हो रहा है, तो इसलिए करनाल का विधायक होने के नाते ही मेरा दायित्व बनता है और वैसे भी जिम्मेवारी के नाते प्रदेश भर में जहाँ जहाँ इस तरह की योजना बना कर बुलाएंगे, कहीं महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, मोर्चा है या SC मोर्चा है, ऐसे सब मोर्चों में जहाँ जहाँ योजना बनाएंगे। देखिए, लोकतंत्र में मौका सबको मिलता है, सब आते हैं। अब वो अगर नहीं निकले हैं तो इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता, आप कुछ करें उनको निकाल के लाएं। सर, आपने एक चीज कही है कि कई टिकटों के दलाल फिर रहे हैं, निश्चित रूप से बड़ी गंभीर बात है और हमने दो ग्रुप ऐसे पकड़े हैं, दोनों के खिलाफ FIR हुई है, कार्रवाई की गई है। वो लोग कुछ भी अपना परिचय बता करके और ऊपर के नेताओं के साथ संबंध बता करके और फोन करते थे कि भी आप लोग हमारा कुछ पैसा हमको दीजिए, आप बना दीजिए, जैसा एक लालच दिया जाता है वैसा लालच देते हैं और जो लोग समझदार होते हैं वो सब समझ जाते हैं कि इस प्रकार पैसों से यहाँ कोई टिकट मिलती नहीं है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति सामने वाला ऐसा होता है कि जिसको लगता है शायद ऐसे को काम बन जाए, कहीं कहीं वो फंस भी जाता है और ये विषय, ऐसे सारे विषयों में कई बार सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। नौकरियों के समय में भी कुछ ऐसे ग्रोह पकड़े गए और उन ग्रोह जो पुराने बने हुए ग्रोह हैं, आज नया कोई ग्रोह बन के तो आएगा नहीं, उसको तो पता है कि ये चीज़ कहीं कामयाब होने वाली नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा जो ध्यान में आता है उसके खिलाफ। सर, नायब मुख्यमंत्री कल ये कह रहे थे कि जो बदलाव हुआ है वो पहले हो जाता तो कार्यकर्ताओं में पहले जोश आ जाता, लेकिन अभी भी कार्यकर्ता जोश में। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आखिरी वोट में हमने छक्का लगाया। देखिए, किसी भी पार्टी के अंदर की कोई उनकी अनुभव की बात है वो अच्छा नहीं है और आप अच्छा उन्हें सब कुछ। सर, नायब तहसीलदार जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प पत्र आप भी कह रहे हैं कि 2005 का हमारा और 2009 का, आप घोषणा पत्र देख लीजिए, हमने पूरा किया। BJP ने अपने जो घोषणा पत्र उसके बाद देखिए, वो जो अध्ययन करना चाहे वो अध्ययन कर लें, उनके उसका भी घोषणा पत्र का अध्ययन करें, 5 का भी, 9 का भी, उसके बाद हमारे पास वन टू वन बातचीत करके करेंगे कि कौन सी बात हमें पूरी की, कौन सी नहीं की। हमने तो बहुत बात ऐसी पूरी कर दी जो घोषणा पत्र में भी नहीं थी और वो जो हमें बीच में सरकार चलाते समय भी समाज में इतने ध्यान में आती रही तो भी करते रहे। आखिर उदाहरण देने के लिए, क्या पढ़ी लिखी पंचायत ने हमने अपने घोषणा पत्र में डाला था? नहीं डाला था, फिर भी ध्यान में आके नहीं करना चाहिए, हमने कर दिया। कैरोसिन फ्री करना, ये हमारे को घोषणा पत्र में नहीं था, फिर भी लगा कि नहीं बहुत आवश्यक, हमने कर दिया। तो ऐसे बहुत विषय होते हैं जो भी ध्यान में आते हैं, तो ये लगातार चलने वाले काम होते हैं। बहुत कुछ हमने कर दिया, रह भी क्या हो गया काफीदार मुख्य कांड का रोकी सर, उसके खिलाफ जाँच हो रही है और जाँच हो रही है सर, लेकिन लीगल एडवाइस के मुताबिक अगर 5-6 दिन और नौकरी कर जाता तो सरकार को निलंबित करना मुश्किल हो जाएगा। मेरा वही कहना है कि वो सारी जाँच चल रही है और जो अब क्योंकि इस समय मैं तो कम से कम इससे कुछ नहीं कर पाऊंगा, आचार संहिता के कारण से जो अधिकारी हैं वो 4 तारीख से पहले।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।